ये चीजें, मैंने तो ये कहा ये चीजें डिसाइडेड है पहले से ही कि ये बंदी क्रिमिनल है, बच्चे बायोलॉजिकल फादर के पास में जाएंगे, उस फादर का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे पाकिस्तानी नेशनल से, वो वहीं जाएंगे। मैं जस्ट जेन्युइन बात कर रही हूँ, जो लोग जिन्हें जिन्हें कंटेंट चाहिए होता है केवल एक बदनामी करने के लिए, करने के लिए। एक जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी घर पे बैठ के लाइव करूँ तो मेरी फैमिली भी यहाँ पर होगी साथ में, अगर गुलाम जी हैदर लाइव कर रहा है, किंजा के भी बच्चे आते रहते हैं बीच में, ये सब चीजें होती रहती हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन इस चीज को लेके है कि आप एक बार गए थे गुलाम हैदर के पुराने घर में जहां पर रहती थी सीमा, तो ये कहते हैं कि इसकी जो ओनर थे उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट उसे भगाने में था, उनकी जो लड़की थी कुलसुम, कुलसुम कौन थी वो पूरी तरह से थे। तो जब आप गए उनका क्या था, मतलब उसमें आपके साथ में बातचीत का रवैया क्या था? जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं इसमें केस में, अभी भी चलते हैं शायद, मेरे ख्याल से आस्था माँ कई बार जिक्र करती है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी नहीं हूँ, तो वो उनके चैनल्स हैं, तो वो अपने कैमरा पे कभी नहीं आए, उनके कोई फोन नंबर्स नहीं है, वो अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, भूटान से हैं, चीन से हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता है, उनके कोई फोन नंबर्स नहीं है, वो केवल इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं, लिंक शेयर किए जाते हैं, वहीं से वो प्लानिंग करते हैं कि आज इसे टारगेट करने हैं, आज आस्था माँ का थंबनेल लगाना है, आज उसका थंबनेल लगाना है, उनके बारे में वो किसी का सुअर का मुंह लगाए, किसी का गधे का मुंह लगाए, उनके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, उनकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल का तो ये जवाब, और दूसरे सवाल का ये जवाब है, जो लोग ये कहते हैं अभी इंडिया में एक केस हुआ है, वो पूरे देश में मतलब कि हर इंसान सड़कों पे उतरा है उसके लिए, डरे हुए हैं, यहां तक कि मैं भी एक एडवोकेट होने के नाते मैं भी सिहर गई हूं कि एक 31 साल की लड़की जो वर्किंग है अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है, उसे पूरी तरह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय की गई है, निर्भया 2 रिवाइज किया गया है। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ कि मेरी भी बच्ची आज मैं पढ़ रही है, फिर इन फ्यूचर ये आगे जॉब करेगी, तो वो सेफ नहीं है वर्क प्लेस पे, तो हर इंसान सोच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया है, मतलब संज्ञान लिया है कि हम इस केस को देखेंगे, खुद से सुमोटो लिया है। अब मैं कहने लगू कि मैं जस्टिस नहीं होने दूंगी, मैं ऐसी तैसी कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, सर मैं तो कुछ नहीं हूं ना उसमें, ये बताइए जरा। ऐसे ही कुछ लोग हैं, और मैं समझ रही हूं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मोमिन मलिक जो एडवोकेट हैं, वो उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी गुलाम हैदर ने दी है, वो उसके प्राइवेट काउंसिल हैं, वो मुझे आपको या किसी भी यूट्यूबर को जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, चाहे तो वो अपने पवन, यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आए और वो किसी को ना बताएं कि केस में क्या प्रोसीडिंग चल रही है, क्या नहीं चल रही है। वो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम लोग इनवाइट करते हैं, वो आ जाते हैं, वो बता देते हैं कि मोटा मोटा सा बताते हैं कि ये केस में चल रही है। कुछ लोगों ने कहा जो एपी सिंह के चैम्बर पे भी जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, उनके ऑफिस पे भी जाते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसे कह रही हूँ, वहां पर जी जाकर वो बकायदा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मोमिन मलिक एडवोकेट उन्हें अपने चैम्बर पे उस पे अपने यूट्यूब चैनल पे चाहिए। मोमिन मलिक ने हमें क्यों नहीं बताया, मोमिन मलिक ने हमें क्यों नहीं बताया, मोमिन मलिक क्यों बताएगा? आपने मोमिन मलिक को फीस दी है, पाबंदी वो पाबंदी नहीं है कि हमें बताओ केस में क्या हो रहा है? अगर आपको इतनी चिंता है तो आप अपनी साइड से बात गुलाम हैदर से करते, अपनी साइड से आप किसी एडवोकेट को फीस देते और आप उसके लिए प्राइवेट काउंसिल हायर करते, तब आप उत्तरदायी थे। मोमिन मलिक किसी की यहाँ पर गवर्नमेंट वकील नहीं है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सबको जवाब देंगे, और आप अपने व्यूज के लिए मतलब एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे नहीं, आप अपने व्यूज के लिए उन्हें यूट्यूब पे बुलाएंगे और आप उनसे छोटी छोटी चीजें पूछेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। वो पानीपत में, सोनीपत में कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप एपी सिंह के पास जाते हैं ऐसे ही सेम आप मोमिन मलिक के पास जाइए, तब वो आपको आपकी बातों का जवाब देंगे। तो ये जितने भी कूड़े कचरे हैं ना, मैं बींग एन एडवोकेट ये बताती हूँ कि जितने भी ये कूड़े कचरे हैं जो इस तरह की बकवास करते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, अब हम ऐसी तैसी फेर देंगे और हम जाने नहीं देंगे बच्चों को, देखो हमारी मर्जी के बिना कैसे ले जाते हो, भाई आप क्या हैं, आप क्या हैं, कैसे आप चीजों को रोक सकते हैं? और सारी चीजें तो मीडिया में, वो यूट्यूब पर या मीडिया में सारी चीजें तो वो बता भी नहीं सकते। बिल्कुल तो सर ये तो बकवास है कि ये जो लोग जिस तरह की, इनके कहने से इनके चंद व्यूज आ जाते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब देखिए फालतू की देखिए बकवास है। देखिए अमिता साहबा, देखिए जितना भी लोग ये पकड़ाट कर रहे हैं, रखड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मोमिन मलिक साहब का मजाक उड़ाए या गुलाम हैदर का मजाक उड़ाए, हमें उससे वो नहीं है कि हमें उनसे कोई गिला है,
कोई उनसे नाराजगी है या कोई शिकवा है, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका माइंड तो पूरी दुनिया जान रही है। हम अगर बात करेंगे तो हमें क्या फायदा, पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, वो किसके खिलाफ हैं, वो हक के खिलाफ हैं, वो लोगों को न्याय नहीं दिलवाना चाहते, बल्कि अन्याय जो हो रहा है उसके साथ उसको सपोर्टर है वो लोग हैं। हमें तो पता है, वो आप भी जानती, पूरी दुनिया जान रही है। हमें असल में उन लोगों का दुख रहा है जिनको जो दावा करते रहे, मतलब उन लोगों का नहीं जो सामने खुल के आ गए, वो लोग जो दावा करते रहे उनका दुख है कि यार मतलब आप तो उस कहते थे कि आप तो मरते दम तक साथ रहेंगे, आपने तो गुलाम हैदर का कहते ना कि हर किस्म का बोझ उठाने का दावा किया था। अगर हक बात उन लोगों को जो शराब के नशे में धुत रहते हैं, जो गालियां देते हैं, उनको हमने जवाब देने की कोशिश की तो उसमें मसला नहीं। मतलब अगर गुलाम हैदर की या सीमा की आड़ में आप पूरी पाकिस्तानी नेशन को तबाह कर दो, गालियां दो उनको, सब कुछ करो तो हम सुन लें, लेकिन हमने उन मखसूस लोगों को जवाब दिया तो हम बुरे हो गए, हमने पूरी देश और नेशन को बुरा बोल दिया। दूसरी बात यह है कि देखें पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, आपको पता है जितने भी आपस में इख्तलाफात हों, कुछ भी हो, मतलब हिंदू का मुस्लिम के साथ हो, मुस्लिम के हिंदू के साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको या हमारे इंडियन बहन भाइयों को इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी चाहे वो इस पार्टीशन से पहले इस जमीन पर रहते थे पाकिस्तान वाली या माइग्रेट करके आए थे, पाकिस्तानी कभी भी भारत देश के उस सरजमीन उस मिट्टी के साथ और ना ही वहां के लोगों के खिलाफ कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं पाकिस्तानी। वजह मैं बताता हूं आपको, देखें पाकिस्तानी लोग मानते हैं कि देखें जब ये अंग्रेज काबिज हुए थे इस सरजमीन पे, उससे पहले इस सरजमीन पे क्या था उनको पता है, और उसके बाद जब ये जदोजहद हुई आजादी की तो मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी, मुसलमानों ने कितनी जदोजहद की और अपने इस देश को आजाद कराने में अपने सब कुछ तबाह करवाया, ये मुसलमान जानते हैं और खासतौर पर पाकिस्तानी इस बात को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये पार्टीशन का सिलसिला हुआ तो करोड़ों लोग वहां से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए, और कुछ खानदान कुछ क्या करोड़ों लोग आज भी इंडिया में। तो जब मतलब इतना मजबूती से रिलेशन है एक दूसरों के साथ, तो वो क्यों आज अपनी सरजमीन, अपने बहन भाइयों की जमीनों को, जमीन को, अपने लोगों को, अपने नेशन को, उस कंट्री के नाम के खिलाफ की बात करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस तरह की चीजों को हवा देते हैं, जो वहां आपकी साइड से, वो उनको कभी ना अपने देश से मोहब्बत है ना अपने धर्म से मोहब्बत है, वो हमेशा अपने जब देश और धर्म से जब मोहब्बत नहीं होगी तो हमेशा आप दूसरे के देश और धर्म पे जो है वो उंगली उठाएंगे, कीचड़ उछालेंगे। तो वो लोग वो ये करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये हवा देने की कोशिश करते हैं। मैं वही वाली बात बता रहा हूँ कि आप और मैं 4 दिन लाइव कर लेते हैं एक साथ बैठ के, 4 दिन आप देखिएगा आपके क्या थंबनेल बनते हैं, मेरे क्या बनते हैं, कविता बहन का क्या असर किया हम लोगों ने, बाकी औरतों का क्या असर किया। ये वो लोग हैं जो अपने समाज के भी दुश्मन है और दूसरों के भी दुश्मन है। पाकिस्तानी के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तानी को बुरा मानेंगे, पाकिस्तानी को पता कि अगर सबसे ज्यादा जो मजहबी गिरोह है, जो मजहब जहां हमारा जुड़ता है, जैसे करतारपुर हमारे सिख बहन भाइयों का है, इसी तरह हमारा जो मरकज दियोबंद है जिसपे पाकिस्तानी 99% का उनका भी है कि वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला और उसके बाद फिर वो चीजें हुई, तो उनको भी पता है कि हमारा मरकज वो है। तो कब अपनी उस जमीन से लोग नफरत कर सकते हैं या उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं या कोई गलत बात कर सकते हैं। हाँ, जो पॉलिटिशियन है वो तो आपको पता है उनका मिशन एक अलग होता है, वो उनका तो काम इसी से चलना है कि अवाम को आपस में लगा के रखो, मीडिया भी अपना तमाशा करता रहता है, लेकिन अवाम की मोहब्बत है, इंडियन के लिए रिस्पेक्ट है, और इसी वजह से, इसी बुनियाद पर लोगों को तवक्को है कि हमारा जो वास्ता पड़ा गुलाम हैदर की वजह से पड़ा, तो जो आपका न्यायालय है, जो आपका अदलिया है, आपकी कोर्ट्स हैं, वो इंसाफ करेंगी। और इसी तरह अगर कभी बंदा जज्बाती हो जाए कि देखिए जी ये तो शरण तो योगी जी का है, वो खुद कहती है शरण तो मोदी जी का है, तो भाई अगर कोई गुहार लगाएगा, कोई दर्द बयान करेगा, तो वो लपू से थोड़ी करेगा, वो तो योगी जी से करेगा ना। योगी जी आप बड़े हैं, जरा आप देखिए, तो अब योगी जी से अगर हम अपनी एक रिक्वेस्ट ली, हाथ जोड़ के अगर मिनट तरले करके कहें जी हमारी ये रिक्वेस्ट सुनिए आप, तो क्या ये तोहीन हो गई, बदतमीजी हो गई, उनकी उनकी इज्जत में कोई बात कर दी, या मोदी जी के बारे में, तो हम तो रिस्पेक्ट ही करते हैं। मैं आपको इसमें एक डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, एक लेडी जिसने ट्रेसपासिंग की इनलीगल इंडिया में, ठीक है, एक वो लेडी है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस लगे हुए हैं, कोर्ट में वो खड़ी होती है, ठीक है। एक बंदा गुलाम हैदर है जो भारत में वीजा लेकर आएगा अपने बच्चों को मांगने के लिए, तो कोर्ट किसे सुनेगी, आप ये बताइए जरा। जेन्युइन सी बात है ना, जो लीगल आया, जो लीगल आया है, बच्चों को मांगने आया है कोर्ट की नजर में, हाँ, वो तो एक मतलब है, अपराधी है, कल्पित है वो, तो वो पहले से उसकी डेफिनेशन बनी हुई है। और आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, अगर आपको मैं कानून से बताने लगूं, वो कहने की योगी जी के संरक्षण में, मोदी जी के संरक्षण में, वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन उसके कहने से क्या होता है, कोर्ट
फैक्ट्स पर बात करती है कि ये इलीगल लेकिन इमिग्रेंट है। असल एक 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 छोटी सी बात माधव के साथ, मैं आपकी बात जारी रखिएगा। असल में ये जो परसेप्शन जाता है ना, जिसमें वो कहती योगी जी के शरण में, मोदी जी के शरण में हो ना, उससे परसेप्शन ये जाता है कि वो उनकी सपोर्ट है। हालांकि हम समझते हैं कि सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो जो तासुर देती है ना, उससे लोगों के दिमाग में ये बात आती है। लेकिन फिर भी कोई हक नहीं रखता कि योगी जी के खिलाफ बात करें, कोई मोदी जी के खिलाफ बात करें। हाँ, जिस माशरे में रहते हैं, क्योंकि हम सब इंसान है, इंसानियत पे यकीन करते हैं, क्योंकि इंसानियत पहले धर्म बाद में आता है, तो इंसानियत के नाते फिर बड़ों से रिक्वेस्ट की जाती है या उनको बुरा भला कहा जाता है। तो गुलाम हैदर तो मेन बंदा है, गुलाम हैदर के वकील है मोहन मलिक साहब, तो वो तो योगी जी से मोदी जी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? लपू से मांगेंगे, नेत्रपाल से मांगेंगे? नहीं सर, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर, जैसे ये इनलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर आ गई है, इन फ्यूचर कोई अगर ऐसी बंदी सेम आ जाती है, पकड़ी जाती है, अगर उसे बेल नहीं मिलती है, तो मैं कोर्ट में क्या करूंगी? सर सरकार बनाम सीमा हैदर, दीजिए सर, बेल उसे मिली थी, ठीक है, वो कहेंगे ये ऐसे नहीं यहाँ पर रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती सर? सरकार बनाम गुलाम सीमा हैदर, इसे भी रखिए, इसे भी हाउस अरेस्ट में रखिए। सर आपको क्या लगता है, किसी भी देश की कोर्ट्स, हमारे यहाँ के वर्डिक्ट तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे वर्डिक्ट है, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, आपको क्या लगता है कि कोई भी कोर्ट, इंडियन जुडिशरी में कोई भी कोर्ट